हेलो दोस्तों, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन उठाए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, जिसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। मतलब 0 से 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है सबका सम हमें निकालना है। तो पहले तो हम देखेंगे दोस्तों कि वो ऑड नंबर कौन से हैं जो 0 से 100 के बीच में है। तो ऑड नंबर्स जो दोस्तों 0 से 100 के बीच में कौन सा होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे करके दोस्तों 100 से पहले 99, ये हमारे ऑड नंबर्स होंगे जो 0 से 100 तक होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये एपी के फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों निकालेंगे। तो इसमें एपी में फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया 1। अब डी, डी को बोलते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस, COMMON कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा दोस्तों कितना है, 1 से 3 / 2, 3 से 5 / 2, 5 से 7 / इस जो गैप होता है उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, वो हो गया हमारा 2। अब हमारा L इजकल टू लास्ट नंबर, लास्ट नंबर हमारा दोस्तों कौन सा है, 99, वो हो गया 99। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है L इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 × D। ये फॉर्मूला दोस्तों हमें यूज करना है। इस फॉर्मूला से यूज करके बेसिकली हम n निकालेंगे और फिर सम निकालने के लिए इसी n का हम यूज करेंगे। तो n l की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ से दोस्तों, अब 99 हो गया, a है 1, अब n माइनस 1 × D कितना है दोस्तों, 2, d को हमने 2 पुट कर दिया। अब यहाँ से ये 1 इधर आ जाएगा तो 98 और n माइनस 1 × 2, इससे ये 49 में कट जाएगा, तो n इजकल टू आ जाएगा दोस्तों 49 + 1, डेट इज 50। दोस्तों हमारा n यहाँ से निकल के आ गया 50, ये n जो हो गया हमारा 50। अब हम सम निकालने के लिए यूज करेंगे 0 से 100 के बीच में जो ऑड नंबर से, मतलब इनका अब हमें सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए जो दोस्तों फॉर्मूला होता है, सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है n/2 × 2a + n-1 × D। n की वैल्यू कितना है हमारे पास, 50 / ये हो गया 2, 2 × a मतलब 2 × 1 प्लस n कितना है हमारे पास, 50 - 1 × D कितना है, 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब 50 / 2 हो गया 25 और ये कितना हो गया, 2, 50 - 1 कितना हो गया, 49 × 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 25 और 49 × 2 होता है 98। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 25 और ये हो गया 100, ये आ गया टोटल 2500। तो यही आ गया दोस्तों हमारा सम, यही आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या, मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स जो 0 से 100 के बीच में है। पहला ऑड नंबर होगा 1, दूसरा 3, फिर 5, 7, ऐसे ऐसे करके ऑड नंबर्स होंगे 99 तक। अब हमें एपी का फॉर्मूला यूज करके, ये एपी का फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे एन, एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस सम के फॉर्मूले में उस n की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमारा समेशन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, l हमें लास्ट नंबर को बोलते हैं जो कि 99 है, d कॉमन डिफरेंस जो कि जो दो नंबर के बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है, a होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है। अब हम इस फॉर्मूले में लगा दिए l इजकल टू a प्लस n माइनस 1 × D, l 99 है, a 1 है, ऐसे करके फिर n की वैल्यू हमने निकाली 50। अब निकालेंगे सम, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 × 2a + n-1 × D इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा सम आ जाएगा 2500। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ गए होंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम अपना लेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का। देख सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है cos 105 प्लस cos 15, cos 105 प्लस cos 15 की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब इस दोस्तों इस फॉर्मूला ये जो क्वेश्चन है कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में है, मतलब हमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पता हो जब ही हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, वरना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है। ये सी है और ये डी है कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, इसका फॉर्मूला हमें देखना है। ये होता है टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू बाई टू, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सी हो गया हमारा 105, डी हो गया 15 बाई टू कर देंगे, ठीक है। सी 105 और डी यहाँ होगा 15, तो ठीक है दोस्तों पुट करते हैं। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है, सी कितना होता है दोस्तों 105, डी कितना है 15 बाई दो इंटू कॉस, सी कितना है 105, डी कितना है 15 बाई दो, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टू इंटू कॉस ये हो गया 120 बाई टू इंटू कॉस, 105 माइनस 15 हो जाएगा 90 बाई टू दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से टू इंटू कॉस ये हो गया कॉस 60 और ये हो गया कॉस 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है दोस्तों 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी, फिर से यही लाइन अब दोस्तों मैंने लिख दिया, ये रिपीटेटिव लाइन हो गया दोस्तों, आप चाहे तो इस लाइन को नहीं भी लिख सकते। अब दोस्तों कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कॉस 45 की दोस्तों कितनी होती है 1/√2, यहाँ पुट कर दी वैल्यू। अब इस दो से ये दो कट गया, हमारे पास बच गया 1/√2, 1/√2 दोस्तों यही हमारा हो गया आंसर। अब हमने क्या क्या यहाँ यूज किया आप लिख दो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 की दोस्तों वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 1/√2, यही हमने निकाल दिया दोस्तों। अब कैसे किया हमने एक बार और आप समझ लें, हमें निकालना है कॉस 105 प्लस कॉस 50। अब दोस्तों ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले में है, इसे लिखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये हो गया फॉर्मूला, इसे आपने फॉर्मूला ये आप लिख दो साइड में कि ये है फॉर्मूला जो आपने यूज किया है, ठीक है। कॉस सी प्लस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, सी को 105 डी को 15 और इसे इसमें भी पुट कर दो, ये आ गया टू कॉस 60 और कॉस 45, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/√2, तो यहाँ से दोस्तों हमारा आ गया ये आंसर निकल के 1/√2, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार आप पिछले क्वेश्चन को भी फिर से देख लेना, इसे भी देख लेना, दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, मिलते हैं।